एसएयू की गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्ष और पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर जिया उल कय्यूम ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय का दौरा किया। उनकी यात्रा को एसएयू में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान यानी कि आईएसएएस में उनकी विशेष टिप्पणियों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने शैक्षणिक उत्कृष्टता पर वार्षिक विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया था। इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान एसएयू के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने दिया और प्रोफेसर जिया उल कय्यूम की अध्यक्षता में हुआ। अपने भाषण में प्रोफेसर कय्यूम ने रेखांकित किया कि एसएयू अपने अधिदेश और चरित्र को देखते हुए एक अद्वितीय संस्थान है और यह सार्क देशों के सभी सदस्यों को सीमाओं के पार शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने एसएयू के उच्च अधिकारियों, डीन, अध्यक्ष, संकाय और छात्रों के साथ भी बातचीत की। प्रोफेसर कय्यूम ने रेखांकित किया कि ये विश्वविद्यालय अत्याधुनिक परिसर से युक्त है। प्रोफेसर कय्यूम ने सार्क देशों में अधिक अकादमिक सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने और बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अपने भाषण में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सार्क क्षेत्र के सभी देशों के सामने आज जो आम चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए एसएयू इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि युवा लोग बदलाव के उत्प्रेरक हैं और शिक्षा इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। प्रोफेसर के अग्रवाल, जो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पहले संस्थापक कुलपति और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि एसएयू सार्क क्षेत्र पर केंद्रित एक अनूठी संस्था है। उन्होंने रेखांकित किया कि पारंपरिक अनुशासनात्मक कार्यक्रमों के अलावा एसएयू जलवायु परिवर्तन, हरित संक्रमण और स्थिरता और दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान पर अंतः विषय केंद्र जैसे उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। हाल ही में एसएयू में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान की शुरुआत की गई और इसके निदेशक प्रोफेसर संजय चतुर्वेदी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के पीछे मूल तर्क है दक्षिण एशियाईपन, एक ऐसा विचार जो सीमाओं के पार पुल बनाता है। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग के कार्यकारी निदेशक और एसयूवी के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जिया उल कय्यूम एसएयू में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर आयोजित वार्षिक विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिया। प्रोफेसर कय्यूम ने एसएयू फैकल्टी डीन एवं विभिन्न विभागों के प्रोफेसर को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I'm really delighted to be here. Honestly, this is the first time I'm visiting India. It's been like 36 years when I just joined this profession of nobles who believe that teaching or really professing the knowledge is the best of the professions the humanity gets to really have in the days to come. And in these 36 years, I've traveled a lot, honestly. But I, despite my best wish and efforts, I'm here in India. And thank you, Professor Gopal, for making this up. It's just because of his, actually, support and a desire that I can make it. Because when we talked on the first day, we discussed different academic and administrative issues on SCU. वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता पर आयोजित इस वार्षिक विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला में एसएयू के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी सुने। दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय इटसेल्फ बिकॉज़ द गवर्निंग बोर्ड इज सपोज्ड टू बी द ओवरऑल विजनरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द Governing board meets in 6 years, which happened last time. I can well imagine the fate of any university. A university whose decision-taking body does not have time to meet for 6 years, for whatever right or wrong reason, I don't care, is something which I can easily describe as fatal to this university. Somehow, thanks to my colleagues in this room, they saved the university. Otherwise, it was almost completed 3 years ago or something like that. But
amidst many problems, I think one of the very unique problem of this university is this university is not one of the other universities. It has to function in that one way, which is common to the other universities, then we will have to be extinct one way or the other. साथ ही नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को शिक्षा का प्रकाश पुंज बताया। एसएयू के माध्यम से नॉलेज विदाउट बॉर्डर की अवधारणा सार्क देशों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। सार्क देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एसएयू में शैक्षणिक शोध करने की सलाह दी गई। दरअसल दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यानी कि एसएयू एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वित्त पोषण और रखरखाव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के 8 सदस्य देशों की सरकारों द्वारा किया जाता है। ये देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। एसएयू के शैक्षणिक वर्ष 2010 से अपना संचालन शुरू किया। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कानूनी अध्ययन, गणित और समाजशास्त्र सहित अध्ययन के 7 क्षेत्रों में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। एसएयू पूरे दक्षिण एशिया में छात्रों को आकर्षित करता है और इसकी डिग्रियों को सभी 8 सार्क देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके कई स्नातकों को पहले ही रोजगार मिल चुका है या वे इस क्षेत्र में और दक्षिण एशिया से बाहर के देशों में आगे की पढ़ाई के लिए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय का परिसर मैदान गढ़ी नई दिल्ली में स्थित 100 एकड़ हरी भरी मैदान में फैला हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।